ray optics lecture 3 reflection somewhere or reflection of one and curved mirrors reflection from curved surface refraction ke room to mein ray rahenge इन चीज़ें बोल रहे हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में और आई बराबर ये दो चीज चलेंगी चलेंगी इसमें हमें स्पेसिफिकली कंकेव और कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस पढ़ लें कंकेव और कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस पढ़ लें डेफिनेशन से स्टार्टिंग में आई बराबर आपको मेरे भाई है ध्यान से सीखिए जबरदस्त बस ये आपके पास कोई होलो स्फेरिकल शेल डेफिनेशन दे रहे हैं या तो आप यहां से हिस्सा काट लीजिए यहां से हिस्सा काट लीजिए तो कार्डिनल बेस पे काट लीजिए हमने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया इसके प्रिंसिपल एक्सिस को अगर आप आउटर साइड सिल्वर्ड कर रहे हैं तो उनके लंके फिर अगर आप इनर साइड सिल्वर्ड कर रहे हैं बन गया कन्वेक्स क्लियर है आपने इसको कट लगाया तो कुछ ऐसी सी चीज निकल के सामने आ गई या तो आप इसके अंदर पॉलिश करोगे या बाहर पॉलिश करोगे क्लियर है अगर आपने अंदर साइड पॉलिश किए तो कन्वेक्स बन जाएगा बाहर साइड भी पॉलिश करोगे तो कंकेव स्फेरिकल मिरर बन जाएगा कुछ डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन जो आती है वो डेफिनेशन आती है पोल की पोल डेफिनेशन सिंपल सी जो सेंट्रल पार्ट है मिरर का दैट इज पोल सेकंड डेफिनेशन आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी की सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज द सेंटर ऑफ कर्व्ड पार्ट या सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल हुज पार्ट इज दिस कनकेव और कन्वेक्स मिरर इज क्या तुम सबको बात समझ में आ गई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज center of the spherical shell whose part is this given mirror इधर भी देख सकते हैं इधर भी देख सकते हैं फिर definition आती है हमारे पास दो definition बन जाएंगी यहाँ से और principal axis और radius of curvature P और C को मिलाने वाली जो horizontal line है that is called center that is called principal axis और PC distance को क्या बोल देते थे हम लोग radius of curvature देख लीजिए क्या चार definition clear होगी क्या हम सबको पांचवी definition आती है हमारे पास linear aperture की linear aperture जो ये opening है mm dash ये straight line जो बना रहे हैं इस chord की length This is called linear aperture. So mm dash is linear aperture. और एक टर्म और लिख रहे हैं यहां से उसका नाम लिख रहे हैं एंगुलर एपर्चर जो एंगल एम सी एम डैश है दैट इज कॉल्ड एंगुलर एपर्चर समझ में आ गया तुम सबको पक्का बोल दीजिए तो थोड़ा सा रिलेशन आपको दिखाई देना चाहिए अगर ये आर है ये अंदर का हिस्सा मैं टी बोल दूं तो इतना हिस्सा आर माइनस टी बच जाएगा ये एपर्चर की रेडियस स्मॉलर हो गए तो ये आपके पास एक रेड एंगल ट्रायंगल है कभी जुड़ पड़े उसके इस्तेमाल कर सकते हैं क्लियर है जी क्या आप सबको पूरी बात से समझ में आ गई रिफ्लेक्शन के बारे में बात करना शुरू करेंगे लेकिन पहले ये बेसिक डेफिनेशन है आई बराबर आर अभी भी वैलिड है और वो पहला लॉ भी वैलिड है All three lines in the same plane. तो दोनों को वैलिड है. Incident ray normal और reflected ray lines in same plane I equal to R. ये basic start है हमारे लिए भी. अभी reflection पर मैं शुरू करेंगे इससे. ये basic definition है. Clear है जिसमें अब तक? Note कीजिए फटाफट. नाम-नाम note करने. Definition तो clear हो ही नहीं है. और याद ही नहीं.
फोकस की डेफिनेशन बता दीजिए। फोकस की डेफिनेशन ज्यादा जुड़ी है, फोकस की डेफिनेशन आप सबको बोलनी आनी चाहिए बेटा, फोकस की डेफिनेशन आपको बोलनी आनी चाहिए, बताइए जी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होना चाहिए, चाहे आप फोकस डिफाइन कर रहे हैं मिरर का चाहे लेंस का, डेफिनेशन ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होना चाहिए, यानी इंसिडेंट रेज होनी चाहिए, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, इंसिडेंट कमिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमिनन। अब आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमिनन चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, वेयर एवर रेज कट्स और सीम्स टू या कन्वर्जेंस को कट्स की जाए कन्वर्जेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस और सीम्स टू डाइवर्जेंस फ्रॉम point on principal axis is called focus. Incident ray जो होनी चाहिए वो parallel to principal axis हो जाएगी और after optical phenomenon चाहे वो reflection हो चाहे वो reflection हो, rays principal axis पे जहाँ पे भी converge होगी या जहाँ से भी diverge होती experience होगी that will be called focus. Clear है जी? चार डायलॉग में आके आपके सामने बात क्लियर कर रहा हूं, चार डायलॉग को देख लीजिएगा, इसको हटा रहे हैं, ये तो बन चुका होगा, याद है ना, ये चार डायलॉग नाम है इसका कॉनकेव मिरर पोल सी, यहां से जो रे आ रही है ध्यान देना भैया, सबका ध्यान यही होना चाहिए, ये नॉर्मल कहलाएगा, तो ये आई बराबर आर को आने चाहिए, तो ये पेपर कट करेगा जहां पर कट करेगा वो फोकस, ऐसे और ले लो, ऐसे और लोगे तो यही आ जाएगी भी, कि तुम सबको बात समझ में आ रही है, तो जहां पर भी ये कन्वर्ज हो रही है जहां से भी ये डाइवर्ज होती एक्सपीरियंस हो रही है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको सी बोल तो ये नॉर्मल हो गया, आई बराबर आर हो गया तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गया आई बराबर आर से, तो यहां से डाइवर्ज होती एक्सपीरियंस हो रही है, तो ये फोकस आ गया। जवाब दे दीजिए, फोकस की डेफिनेशन आप सबको समझ में आ रही है क्या? पक्का बोल दीजिए भैया, क्लियर है? एक जगह बता रहे, एक जगह पहन रहे, ठंड ट्रांसफर हो रही है, लेंस में कैसे डिफाइन कर लेंगे, बाकी डायलॉग लेंस में सीख लेंगे हम लोग, याद रखिए आई बराबर आर वैलिड रहेगा, याद रखिएगा आई बराबर आर वैलिड रहेगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर पड़ रहे हैं और कर्व्ड मिरर में भी हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस एक लेक्चर में आज रिफ्लेक्शन खत्म हो जाए। अगर आप करवाने देंगे इस हिसाब से तो जल्दी लिखो यार, दो मिनट मैगी हो रही है, जल्दी कर ले सर, मतलब हमारा नाश्ता नहीं किया हो, रिकॉर्डिंग जारी है और एडिटर हमारे पास है नहीं, ये सब कटकटा देगा। ठीक है, अगली बार से थोड़ा बड़ा इंटरव्यू करेंगे।
देखिएगा जी, ध्यान दीजिए जो इसे ये फोकस की डेफिनेशन हो गई है। बहुत आराम से ध्यान से चीजों को सीखना शुरू कीजिएगा, सारी बातें यहीं से स्टार्ट होंगी। रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, ये पोल यहां से एक रे आ रही है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 45 डिग्री रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको सॉल्व कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां पर कट करेगी, उसकी पोल से डिस्टेंस कितनी है, पोल से डिस्टेंस कितनी आएगी इस पॉइंट पे जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी दे रिफ्लेक्टेड रे। तो I बराबर R लाओगे तो 45 बराबर 45 पे जानी चाहिए। तो इंटरसेक्शन का यहाँ पर होगा, हाँ यहाँ पर जवाब दीजिए। रिफ्लेक्शन इसका दोबारा होगा, सिमेट्री से ये भी 45 बन जाएगा, 45 बराबर 45 पे जाएगी नॉर्मल टू। तो ये सिनेरियो बनेगा, हाँ यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या बात समझ में आ रही है? 45 बराबर 45 पे जब जुड़ी है तो इनके पीछे का 90 ना जुड़ी होगी। इंटरसेक्शन यहां पर हुआ, ये डिस्टेंस होगी r sin 45, तो ये जो डिस्टेंस बची ये बन गई r minus r sin 45। जवाब दे दीजिए कि आप सबको बात समझ में आ गई इस डायग्राम के अंदर जो बताइए। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री होता एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिर रेखा से जाती। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम यहां का 60 डिग्री ले लें तो क्या होगा बता सकता है कि आप? ये समझ में आ रहा है 45 45 पे जा रही है, जबकि पढ़ा गया तो जल्दी पैरेलल वाले फोकस से चलती है 60 पे जाएगी 30 पे क्यों जाएगी? उस पर आयरन वाला बना बना जगह क्या तरीके से पता क्या कह रहे भाई? नहीं बता सकता। ये नॉर्मल ये 60 बोल रहे हैं, आयरन पर आर होने के लिए इसको 60 होना पड़ेगा और 60 होने के लिए पोल पे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा इसको कंफर्मली? पोल पे जाना पड़ेगा। कारण देखते क्यों? अगर ये 60 तो ये 60, अल्टरनेटिव से ये 60, जहां पर भी कट करेगा तेरे पास सम 60 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, वो भी 60 होना चाहिए। 60 होने के लिए अगर ये आर है तो इसको आर होना पड़ेगा, इसको आर होने के लिए इसको पी पे जाना ही पड़ेगा। जो बोलो वो समझ में आ गया तुम सबको? तो पक्का पोल पे जाएगी रिफ्लेक्शन में इसका सिमेट्री से 3 बार, यानी सारी पैरेलल रेज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? सारी पैरेलल रेज एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? अब हम इसका जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। इस जनरल फॉर्मूला को देखिए कैसे डिराइव कर सकते हैं। क्या आप लिख चुके बात सारी के साथ लिख लीजिए फटाफट। ये दो स्पेशल क्वेश्चन है, जो नोट कीजिएगा पेपर में। ये दो स्पेशल क्वेश्चन है पेपर में, जो नोट कीजिएगा। 30 डिग्री का बन सकता कोई बड़ी बात नहीं है, जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां से मैं ले ली इंसिडेंस करवा ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल सी इसको इधर भेज दिया उन्होंने, ये आई बराबर आर बोला तो ये भी आई, तो ये भी आई,
ये वाला एंगल आई हो जाएगा और ये वाला टू आई हो जाएगा। पहले बता दीजिए कि सारे एंगल समझ में आएंगे आप सबको। हमें पी एफ डिस्टेंस निकालनी है, पहले सी एफ डिस्टेंस आ रही है। इससे से अभी तक ये पता है आर, ये एंगल पता है 180 माइनस 2 आ गया। क्लियर है? आर बाय साइन 180 माइनस 2 आई शुड बी इक्वल टू आर बाय शुड बी इक्वल टू सी एफ बाय साइन। जवाब दे दीजिए, साइन प्रॉपर्टी समझ में आएगी ट्रायंगल की? आर डिवाइड बाय साइन 180 माइनस 2 आई इक्वल टू सी एफ अपॉन साइन आई। इसे निकलते हैं साइन 2 आई, इसको लिखते हैं 2 साइन आई कॉस आई, 2 साइन आई कॉस आई लिखा इसको, तो सी एफ की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आर बाय 2 कॉस आई। कैसे बन गया आर बाय 2 कॉस आई? सी एफ की आर बाय 2 कॉस आई आ रही है, तो पी एफ की वैल्यू कितनी आ रही? आर माइनस आर बाय 2 कॉस आई। जवाब दे दीजिए कि यहां तक की बातचीत क्लियर होगी आप सबको? यहां तक की बात आप सबको क्लियर होगी है जी? ये फोकल लेंथ डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, इसी को फोकल लेंथ कह रहे हैं। फोकस की डिस्टेंस क्या बताई थी? पोल से ये वाली डिस्टेंस आ गई आर माइनस आर बाय टू कॉस, यानी अलग अलग के आई के लिए पी एफ अलग अलग आएगा। आप आई 60 रखो वो जीरो हो गया, आई 45 रखो पहले वाला आंसर आ गया जो इस के लिए, तो जनरल फॉर्मूला ये वाला बन गया। तो अलग अलग के लिए आई के लिए पी एफ के जो अलग अलग है, लेकिन अगर आई को बोल दिया जाए स्मॉल नियर इक्वल टू जीरो, तो कॉस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो पी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास आर बाय 2। कब आएगी वैल्यू? जब एंगल कैसा होगा? आई को नियर जीरो डिग्री होगी। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है? आई को लगभग जीरो डिग्री होगी। इस डायग्राम को यहां बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भैया, सबका ध्यान यहां हो। ये आपके पास एक मिरर हो गया, ये हमने इसका पोल डिसाइड कर दिया, ये सी डिसाइड कर दिया, ये रेज जो बना रहे हैं ये वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं। बात ना करो ध्यान दे रही है, ये वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है। जो वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है इसको बोल रहे हैं क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आई की वैल्यू लगभग 0 डिग्री होगी इन सब के लिए। तो ये सारी की सारी काम पर जो रही है आर बाय 2 पर। और जैसे ही आई कंसिडरेबल हुआ ये थोड़ा दूर जाने लगी, हमने देखा था 45 वाली सीधी भी होगी थी और 60 वाली तो यहां तक भी पहुंच गई थी। क्या तुम्हें समझ में आ गया सारा का सारा डायग्राम जो बनाया है? इस डिफेक्ट को, ये इसमें डिफेक्ट है, दिस डिफेक्ट इन स्फेरिकल मिरर, इन स्फेरिकल मिरर कौन सा डिफेक्ट कि सारी रेस एक जगह पर फोकस नहीं हो पा रही है? दिस डिफेक्ट इन स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। व्हाट वी कॉल इट बेटा? स्फेरिकल एबरेशन। इस डिफेक्ट को दूर करने के दो तरीके हैं, ठीक है? दो तरीकों में पहला तरीका क्या हो जाएगा, आप मिरर काटे छोटा सा कि बड़े एंगल मिरर इंसिडेंट ना हो पाए, यानी आपने जब मिरर काटना था तो बड़ा मिरर काटने के लिए छोटा मिरर काट दो, यानी अपर्चर छोटा कर दो, तो बड़े एंगल की रेस इंसिडेंट नहीं हो पाएंगी। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के दो तरीके, नंबर वन मेथड स्मॉल अपर्चर ले लीजिए। स्मॉल अपर्चर लेने से क्या हो जाएगा? आई बड़ा हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है सबको? हमारी
99% डिस्कशन इसी चीज पर है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में एक ही फोकस डिफाइन होता है, वो कब डिफाइन है जो अपर्चर स्कोर हो, इस केस में फोकस एक ही रह जाएगा आर बाय टू, या फिर आप कौन सा मिरर यूज कर लो, पैराबोलिक मिरर यूज कर लो, पैराबोलिक मिरर पर जितना मर्जी आई आ जाए सारी फोकस पर ही फोकस होती है, इस जो पैराबोलिक पैराबोला का फोकस होता है। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई, दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाय यूजिंग दीस टू रेमेडीज, कि एक स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज कर लो स्फेरिकल ले रहे हो, अदरवाइज पैराबोलिक मिरर यूज करो, लेकिन हमारी डिस्कशन किसकी है सारी की सारी चैप्टर में स्फेरिकल स्मॉल अपर्चर मिरर की डिस्कशन है, जो रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है इन्हें हम लोग ये वाली रेज हो जाएंगी मार्जिनल रेज जो दूर है, और ये हो जाएंगी पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज जो कि क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और दूर वाली रेज को बोल रहे हैं मार्जिनल रेज। यहां तक के मामले सारे समझ में आ गए आपको, हटाया जाए जी, अब हमारी सारी की सारी डिस्कशन जो रहेगी वो स्मॉल अपर्चर के स्फेरिकल मिरर के रहने वाली है जी, स्मॉल अपर्चर का स्फेरिकल मिरर लेके डिस्कशन करेंगे सारी की सारी, और अब सारी डिस्कशन मैथमेटिकल है, आइए जी ध्यान दीजिएगा भाई साहब, कोन फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कन्वेक्स मिरर हो गया तो ये कोन, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर लेते हैं, फोकल लेंथ एफ लेते हैं और एफ इक्वल टू आर बाय टू लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आएगा मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला याद रखना है, वन बाय बी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ, वन बाय बी प्लस वन बाय यू इक्वल टू 1 by f, में v क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और f जो है वो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, clear है जी, फिर बारी आती है transverse magnification,
या फिर सिर्फ मैग्निफिकेशन, सिर्फ मैग्निफिकेशन लिखा हो या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लिखा हो, तो इसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब होता है इरेक्ट इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्टेड इमेज। क्लियर है जी? एम की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो, एक से उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। एम की वैल्यू छोटी हो एक से तो उसे बोलते हैं स्मॉल साइज इमेज। एम की वैल्यू एक हो तो इक्वल साइज, एम की वैल्यू एक से बड़ी हो तो लार्ज साइज, और एम की वैल्यू एक से बहुत बहुत बड़ी हो तो वेरी लार्ज साइज। Nothing to do with real or virtual. This M is nothing to do with real or virtual. M की वैल्यू देख के आप ये नहीं बता सकते कि real image है या virtual image है। M की वैल्यू देख के आप ये नहीं बता सकते कि real image है या फिर virtual image है। इसके proof की आवश्यकता नहीं है। 1 by b plus 1 by a equal to 1 by b की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है वैसे। बता नहीं क्या? है क्या आवश्यकता? ये पॉसिबिलिटी हो गई, ये साइज को लेके मामला हो गया। एंड इट इज नथिंग टू डू विद रियल और वर्चुअल। रियल इमेज कब बनती है आपको बता चुका हूं, वर्चुअल इमेज कब बनती है बता चुका हूं। रियल इमेज कब बनती है? जब ऑप्टिकल फिनोमेनन के बाद रियल इंटरसेक्शन होगा रेज का। और वर्चुअल इमेज कब बनेगी? जब डाइवर्जेंस होगा ऑप्टिकल फिनोमेनन के बाद। हेडिंग ले लीजिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। बता सकते हैं साइन कन्वेंशन में क्या क्या चीजें हैं? तीन पॉइंट होते हैं वैसे साइन कन्वेंशन में। पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकंड, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंसेस आर टेकन पॉजिटिव and opposing to incident ray taken negative. Above principal axis taken positive and below principal axis distance taken negative. In the direction of incident ray distance taken positive and opposite to incident ray taken negative. बात नहीं होनी चाहिए था। ये सारी बात समझ में आ गई है तुम्हें? एम का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू होता है। दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। M के दो नए फॉर्मूला बनाएंगे, एक से एक में B गायब कर दीजिए और एक में U गायब कर दीजिए। यानी एक आंसर चाहिए मुझे V F के टर्म में और एक आंसर चाहिए मुझे V F के टर्म में। मुझे आंसर चाहिए जिसे V F बताओ और एक आंसर U F के टर्म में चाहिए। चेंज कीजिए बच्चों। M equal to minus V by U होता है। पहले आंसर बीएफ की फॉर्म में निकाल दीजिए वैसे।
ठीक है जी, f के टर्म में यहां से 1 / u की वैल्यू क्या आएगी, 1 / f - 1 / g, ब्रैकेट खोल लेंगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव ये बनना, और ये माइनस होने वाला है, क्लियर है जी। ओके अब आराम से ध्यान से देखिए, ये वो बातें थी जो फॉर्मूले थे, ये शॉर्ट नोट हो गए, लेकिन प्रैक्टिसेस तो क्वेश्चन से होंगी, तो एक क्वेश्चन खाते हैं और उस क्वेश्चन से बातें समझते हैं, एक क्वेश्चन पिक करते हैं उस क्वेश्चन से बात करना शुरू करते हैं जी, ठीक है जी। आराम से सीखिए, गड़बड़ मत कीजिए। कंकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। एक कंकेव मिरर लिया उन्होंने जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर में पड़ा है।
ठीक है जी, क्या हो गया बता, इमेज क्या बनेगी पहले तो ये बताने की बात, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। फॉर्मूले में आपके पास वैल्यू पुट करनी है तो 1/b + 1/u इक्वल टू 1/f, फाइनल में जो आप दीजिए यू भी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव, करंट को लिख क्यों इंसिडेंट रेज यू जाना शुरू होगी जी ऐसे, तो आप कौन से डिस्टेंस जब नाप रहे हैं तो इंसिडेंट के अपोजिट नाप रहे हैं, फोकल लेंथ भी और यू भी, तो यहां से 1/b इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10 साफ दिखाई दे रहा है, माइनस का 5/150 माइनस का 1/30 बी की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, 15 वाले की इमेज 30 तो बनी है, ये रेडियल में बना ली हमने, क्या कहते हैं इसको, ये 15 से था और ये इमेज बनी है 30 पे, ये आई बराबर आर लगा दो, क्लियर जी, इमेज समझ में आई, 15 वाले की इमेज 30 से बनी, 15 वाले की इमेज 30 से बनी, इस क्वेश्चन में समझ में आई बात, यहां से 5 सेंटीमीटर यहां 10 सेंटीमीटर 30 कोऑर्डिनेट आ गया इसका, आई नंबर 15 वाले की इमेज 30 से बनी है, तो अगर ऑब्जेक्ट 30 पे होता तो इमेज 15 बनती, क्योंकि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, इमेज उनका पीछे हो जाएगी, जो लाइन बोलो ढंग से सुनने में नहीं है, 15 वाले की इमेज क्या बन रही है 30 पे, तो 30 वाले की इमेज 15 बन सकते इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए सिर्फ 30 वाले की इमेज 15 बन सकती है, क्यों, अगर ये आई नंबर आ रहा है तो नॉर्मल तो वही रहेगा, तो आई नंबर आ ही बन सकता है, इसके अलावा अगर कोई चीज होगी जैसे सपोज करो मैं ऑब्जेक्ट को 30 की जगह 28 पे लाया तो 28 वाले की इमेज तो 15 से पहले पहले इधर बन जाएगी सी की तरफ, क्योंकि आई छोटा होगा और छोटा हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी बहुत मैटर करेगी इन मिरर्स के अंदर, फिर आप पता लगे 15 वाले की इमेज 30 से बनी है, रेड एंगल हमारे सामने है, ये क्लैरिटी आ गई क्या आप सबको, क्या ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको, क्या दूसरा क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, मैं इन बातों में आपको ऑब्जेक्ट जो है इस केस में ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा आपको मैंने, ऑब्जेक्ट सी पे पड़ा है, इमेज क्या बनेगी लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 सेंटीमीटर, कह रहा है इमेज बनाइए कहां बनेगी कितनी बनेगी किस तरह बनेगी साइज बताइए, यू कितना दिया मैंने आपको फिर से -30, एफ कितना भी -10, वी पोल से नापनी है तो वी तो -30 आ गया, इमेज 30 बनेगी, कितनी हाइट की बनेगी कैसे निकाल रहे माइनस फॉर्मूला जाते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर नापा है इसको इक्वल टू माइनस वी बाय यू, तीन नेगेटिव आया है सर, वी भी नेगेटिव यू भी नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्मूला का हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -2 सेंटीमीटर, क्या तुम्हें समझ में आ गया 2 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बन गया, आवाज आ गई, क्लियर है क्लियर पक्का बोल दो भैया आवाज बन गई तुम्हारी, मैं कह दूं 15 सेंटीमीटर दूर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एक पार्टिकल 1 सेंटीमीटर के सर्किल में घूम रहा है, बनने वाली इमेज का सर्किल का रेडियस बता दो, पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे है ही नहीं, यहां पर पड़ा है और ऐसे घूम रहा है 2 सेंटीमीटर में घूम रहा है, इसका एरिया बताओ भाई आप पास इसका एरिया आ गया, यस तो हमने जो आंसर दिया है क्या-क्या क्वेश्चन बन पा रहे हैं समझ में आ रहे हैं, फाइनल में आवाज नहीं है तुम सब यार, क्लियर है जी, अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये लिख लो शास्त्र क्या लिख लो, कितने क्वेश्चन पूछूंगा अब तक मैं आपसे, ये पहला था फिर ये दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, चार क्वेश्चन तो यहां पड़े हैं,
लिख लिया होगा तो आप समझ गए सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने शुरू करते हैं। आराम आराम से देखिए। कंकेव मिरर का एग्जांपल ले रहे हैं। फोकल लेंथ सी, यहां एक रॉड पड़ी है 5 सेंटीमीटर की। इमेज की लेंथ बता दीजिए, इमेज की लेंथ बता दीजिए, कैसे करेंगे? हाँ जी, दो पॉइंट कौन कौन से होंगे? एक इनिशियल पॉइंट तो आ गया 15, एक पॉइंट आ गया 20, 20 वाले की इमेज 20 में बनेगी, 15 वाले की इमेज 30 में बनेगी। अगर मैं इसको ए बी लिख दूं तो बी डैश तो यही आ गया, लेकिन ए डैश तो यहाँ आ गया। फोकल लेंथ अभी भी 10 सेंटीमीटर की बना वैसे। तो क्या आपको रॉड की लेंथ दिखाई दे रही है इमेज की कि क्या बनी? 10 सेंटीमीटर से लेंथ अंतर हो। यस सर, दोनों जवाब दीजिए भाई सर। क्या समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन से करवा रहा हूँ समय बचाने के लिए, लेकिन बात तो सारी समझ में आ रही है कि दो यू आ रहे हैं तो दो वी हैं, इसी के पीछे बाकी मेजेस, बाकी मेजेस के पीछे क्यों आई बता चुका हूँ, आई घटेगा तो आर घटेगा। इसी में कह रहा हूँ क्योंकि इस क्योंकि ये बात साफ दिखाई दे रही है कि अब आई घटेगा तो आर घटेगा, इसकी बाकी मेजेस यही बनेगी। मतलब 30 वाले की इमेज 15 बन सकती है सर, 15 वाले की 30 बनी है तो 30 वाले की 15 बनेगी, बाकी भी और भी बन सकती है। जो बोला वो समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक में हमें कोई किंतु परंतु में तो नजर आया नहीं है, तो बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जवाब देना जी, गड़बड़ मत कीजिएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा तो। यहां पर एक यू शेप्ड वायर पड़ी है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट सी है, ये फोकस है, कह रहा है इमेज की लेंथ बता दो। इस यू शेप वायर की इमेज की लेंथ बता दो, फोकल लेंथ अभी भी 10 सेंटीमीटर है। फिर से बोलो, 30 ऑप्शन है। इस यू शेप वायर की इमेज की लेंथ बतानी है, ये यू शेप वायर पर है, इसकी इमेज की लेंथ बतानी है 25 पूरा नहीं करेगा बड़े साइज की, क्योंकि ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व्ड क्यों है? जब तक ये यहां तक जाएगा तब तक इमेज इनफिनिटी तक जाएगी, इट कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन, इसको तेजी से बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज आपको मैं भी नहीं दे रहा, बायो वालों को दे सकता है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे मोबाइल पड़े हैं आपके, तो मोबाइल की जो इमेज बनेगी ना वो कभी भी रेक्टेंगल की फॉर्म में तो आएगी नहीं। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्लियर है जी? जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है तुम सबको? और तुम इसको पैराबोला अगर हम डिफाइन नहीं कर पाओगे बहुत फास्ट रेजिंग कर होगा ये वाला। जवाब दे दीजिए, यू शेप वायर का आंसर आप सबको समझ में आया क्या? भैया अब देखिए, आप क्वेश्चन थोड़े फंसने वाले आएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखना भैया, लेस का जवाब दे रहा भाई, ये फोकल है 10 सेंटीमीटर है, ये फोकस हो गया, 15 पर एक ऑब्जेक्ट पड़े 15 पर, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का साइज है 1 mm, 0.1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी इमेज की लेंथ बताइए, इसकी इमेज की लेंथ बताइए, इमेज की लेंथ दो यू नहीं आएगी इस पर, तो इतनी बड़ी गणना से कैसे कर सकते? मैं था तेरे पास तो मेरे पास बोलने नहीं चाहिए कि इसका एक का एक थे, तो इतनी शानदार है बोले कि क्योंकि वो छोटा है, क्योंकि वो छोटा है तो क्या बोलना चाहिए? अरे नहीं है पॉइंट ऑफ साइज ऑफ द एरर वन, तो वो तो डी उधर है,
डिफरेंशिएशन हो जाओगे, या तो कोई मेथड में चले जाओ, एक को 14.9 ले लो, एक को 15 ले लो, एक को 15, एक को 15.1 ले लो, एक को 14.95, एक को 15.05 ले लो, सही आंसर आएगा, पर कैलकुलेशन कर दीजिए, लेकिन आंसर सही आएगा। यू तो दो दे रखे और तो जनरल साइज तेजी से बढ़ते हैं, कंसिडरेबल साइज आएगा वैसे, या फिर जाओ डिफरेंशिएशन के अप्रोच में, 1/v + 1/u + 1/f में ये कांस्टेंट है, ये आ गया -1/v² dv -1/u² du बराबर 0। क्या तुम सबको डिफरेंशिएशन समझ में आया? ये पता है कि u 15 है तो v 30 आएगा, और हम dv ढूंढ रहे हैं तो dv का फॉर्मूला निकाल कर रख लेते हैं, ये 30 है, ये 15 है, और ये du 1 है। क्या तुम्हें आंसर दिखाई दिया कि 4 में आंसर आ गया? 4 बताया ही हाँ ना, जॉब दो यार, कितना आंसर आया इसका? 4। अच्छा, इस नेगेटिव का क्या मतलब है? अब ध्यान से सुनना भैया, इस नेगेटिव का क्या मतलब? हालांकि मैंने उस डेफिनेशन में लिखवा दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिफिकेशन में नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमोटिविटी की बात तो नहीं है, लेकिन समझिए अगर du का मतलब तुम u टू u मान लो, सुनो ध्यान से, मैं इसको u1 u2 बोलता हूं, c पे यहां आ गया, अरे सुनो रे सर, इसका u2 बड़ा है, u2 बड़ा तो v2 छोटा आएगा, हां ना समझो, v1 बड़ा आएगा, ये उधर चला गया फोकस के पास, ये दूर जाएगा, तो अगर u2 - u1 पॉजिटिव है तो v2 - v1 नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा? तो du / du नेगेटिव है। यस सर। अरे हां ना समझो, जवाब दो, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस तुम्हें समझ में आया है? बायो वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है वाला, बायो वाले से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जे वाले में देखना, ये मैं समझ लूं, ये 1 mm / 1 mm का स्क्वायर है, 15 भाई पड़ा है, 1 mm का स्क्वायर है, सुन लो ध्यान से, 1 mm का क्या है, पड़ा 15 भाई है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कहता है बनने वाली इमेज का कि पेरीमीटर बता, बनने वाली इमेज की पेरिमीटर बता दो, ऑप्शन दे रहा है 10 भी दे रहा है, ऑप्शन में 12 भी दे रहा है, 14 भी दे रहा है, 16 एमएम भी दे रहा है, 10 एमएम, 12 एमएम, 14 एमएम, 16 एमएम, बनने वाली इमेज की पेरिमीटर, अच्छा ये क्राउड था, छोटे के लिए क्राउड नहीं होगा, छोटे वाला स्टेट वहां से तो कोई बड़ी बात नहीं, 10 कैसे आ जाएगा वैसे, तो 1 एमएम का 4 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, अच्छा इस 1 एमएम का 2 एमएम कितने डबल कर दिया, तो 2 एमएम इसका, 2 एमएम इसका, 12 एमएम आंसर आ गया, यस और नो जवाब दीजिए भाई सर, जो वर्टिकल हाइट पर खड़ा बनने में उसका मतलब 2 एमएम आएगा, क्या एक ही क्वेश्चन से बहुत कुछ सिखा तुम सबको समझ में आ रही है, करने का तरीका तो ये रहा क्वेश्चन को भैया, यस सर हमें जवाब दो यार, पक्का समझ में आ रही है, कैसे क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना है, सिली मिस्टेक मत करना, एरर का कोई चांस नहीं है, क्वेश्चन तो तुम्हारी होगा तुम्हारी अप्रोच में होगा, क्या पूरी बात तुम्हें समझ में आई यहां तक, ठीक है नोट करो भैया, ये जो दो चार क्वेश्चन और भी सिर्फ क्लियर लोगों ने नोट कर लिए थे, बचा इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो पूछेगा बाकी पूछे बताने वाले भी आप, बहुत लंबा चल तो हमने नहीं है वैसा, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए,
गलत करें मैसेज चेक करें समझ में आ गए सारे क्वेश्चन जो बनाए आज सिंपल फॉर्मूला फॉर्मूला है जी कहाँ से लाना शुरू करना देख लीजिए लास्ट पर ये चार में बना स्क्वायर बना ये डिफरेंशिएशन की अप्रोच समझ में आ गई होगी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए ये मिरर है फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर में पड़ा इमेज तो अपना बनेगी वैसे 30 पिक्सल इसको काट दूं तो अभी भी 30 पिक्सल कोई समस्या नहीं है डायल देखना भी है एक मिरर है जिसको दो बराबर हिस्सों में काट दिया गया है और दो हिस्सों में काटने के बाद इसको एक सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया गया इसको एक सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया गया ठीक है जी एक ऑब्जेक्ट अभी भी यहां से 15 सेंटीमीटर पड़ा है इसकी इनिशियल फोकल लेंथ जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी कह रहा है बनने वाली इमेजेस के बीच का डिस्टेंस होता है कह रहा है बनने वाली इमेजेस के बीच की डिस्टेंस होता है ये मिरर था इसको कट कर दे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट भी पड़ा है इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर सरका दे इसको 1 सेंटीमीटर नीचे सरका दे बनने वाली इमेजेस के बीच की डिस्टेंस बता दें ये डिस्टेंस अभी भी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर ऑप्शन दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कैसे सर जैसे वो मतलब मिरर सरका दिए तो अपने मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट होती है फिर आंसर गलत दे रही है कैप्चर मिस्टेक की तुमने सिविल से फिर की तेरी ही तो गलती अगर आप कर रही करो करके समझते नहीं है तुम थोड़ा पेन चलाया कर सिविल मिस्टेक कर रही है सारा कुछ आता है तुम्हें दिमाग ढंग से चलाना नहीं आंसर निकालते समय देखो भैया तुम इसका जवाब बड़ा आराम से दे दोगे हमेशा चीज से बनेगी फाइनल जवाब बोल रहे इसको ऊपर सरकाया तो इसका प्रिंसिपल एक्स को ऊपर सर दिया तो इसके लिए ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया तो बनेगी तो 30 पे लेकिन 2 सेंटीमीटर ऊपर बनेगी इसके लिए इमेज बनेगी तो 30 पे लेकिन 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगी तो दो ये और दो बीच का गैप क्या तुम्हें आंसर समझ में आया क्या यार क्या तुम सबको आंसर समझ में आया क्या यार अरे बता बीच का दो क्या अरे समझ में आया क्या मुश्किल थोड़ी है प्योर अंडरस्टैंडिंग है
दीजिए, हटा दिया जाएगा मामला। ये एक कंकेव मिरर है और ये दूसरा कंकेव मिरर है। इस मिरर का नाम है वन, इस मिरर का नाम है टू। पहला रिफ्लेक्शन वन से लेना है, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, पी वन पी टू, ये रहा सी वन सी टू कुछ देख लगा। इसकी फोकल लेंथ रखी है 10 सेंटीमीटर, इससे ऑब्जेक्ट दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन की वर्डिंग सुनिएगा, इसकी फोकल लेंथ दे दी आपको 5 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड गैप बिटवीन टू, फाइंड गैप या गैप्स बिटवीन टू, सो दैट फाइनल इमेज ऑफ ओ फॉर्म्ड एट ओ इटसेल्फ आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, After 3 reflections, image of is open बने। After 3 reflections, image of is open बने। Taking first reflection from M1, ये मैंने starting में बोल दिया था आपको। Taking first reflection from M1, बिना पेन चलाए आंसर दीजिए बच्चों, बिना पेन चलाए थॉट लगाकर आंसर दीजिए, थॉट लगाइए और आंसर दीजिए, थॉट बना लीजिए, वन लाइन में बन जाएगा ये क्वेश्चन। पहला रिफ्लेक्शन जो होगा उससे इमेज का बनेगी 30 डिग्री, ये समझ में आ गया। दूसरा रिफ्लेक्शन एम टू से लेना है, छोड़ दो। तीसरा रिफ्लेक्शन कहां से होना चाहिए कि इमेज वापस 15 पे बने, हम बोल चुके कि 10 वाले की इमेज अगर 30 से बनती है एक मिनट के लिए, तो 30 वाले की इमेज ही 10 पे बनेगी वैसे, यानी 30 पे सिर्फ कर्वेचर होगा, आंसर आ गया, कर्वेचर होगा तो आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर, दो आंसर आएंगे। अरे बात समझते, सुना ध्यान से, ये कंफर्म है कि इसकी इमेज 30 बनी जुड़ी थी। अब ये चीज यहां देखिए, सुना ध्यान से देखिए, अगर इसने इसकी इमेज को दाएं बाएं कर दिया तो ये इसकी इमेज वापस 15 में बना ही नहीं पाएगा। यस सर, इसको इसकी इमेज वापस नहीं देनी पड़ेगी, यानी ये इसका सी होगा। यस और नो में जवाब दे दीजिए। यस सर, अगर इसने इसको राइट लेफ्ट कर दिया तो आई बदल जाएगा, तो आर बदल जाएगा और इमेज वापस 15 में आई नहीं सकती जी। यस और नो में जवाब नहीं आया तुम्हारा। ये इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, दिखने मुश्किल लगते हैं, ये होते इतने आसान नहीं है। रिवर्सिबिलिटी याद रखिए कि पहला याद और तीसरा याद रहे सर, उसको सी वाली इमेज सी बनना ही पड़ेगा ताकि इसकी इमेज को दाएं बाएं कर ना सके। ये सी हो गया तो ये पक्का 10 हो गया और ये 30 था, इसका आंसर इज 40 सेंटीमीटर। पहला आंसर तो ये आ गया, दूसरा आंसर ये 30 हो सकता है। कैसे? ये मिरर यही आ जाए तो सेम वाली रिफ्लेक्शन से ये इमेज यहां दे देगा, आई बराबर आर से वापस यहीं आ गई, जैसे इमेज वापस यहां बन गई। यस और नो में जवाब दीजिए। वैसे दूसरा पॉसिबल आंसर क्या हो गया, इसका पोल यहीं पर आ जाए। क्लियर है जी? आवाज नहीं तुम से किसी के लिए है। क्या दो आंसर समझ में आ गए, 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर? 30 ऑप्शन देना नहीं, ऑप्शन आपसे ये वाला मांगेगा, रिवर्सिबिलिटी वाला। क्लियर है जी सबको? यस। क्वेश्चन तो बेटा ध्यान से नोट कीजिए, इस क्वेश्चन की वर्डिंग को, क्वेश्चन का डायलॉग और आंसर का डायलॉग अलग अलग होता है। अरे इस क्वेश्चन का आंसर तो भी है, चेक करना यार।
करेंगे 20 तो 20 को उधर करते 30 30 पर ऑब्जेक्ट पड़े यहां पर एक कन्वेक्स मिरर रख दिया मैंने जिसकी फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर वही क्वेश्चन है आज के लेक्चर में इतना ही कल कंटिन्यू करेंगे।